इनफॉर्मेशन आई सी कि एक जवान लड़की ट्रिलियम मॉल की पांचवीं मंजिल से चढ़ के जो उसका मिरर का जंगला लगा हुआ वा उस तो लटक रही है। इनफॉर्मेशन आई सी कि एक जवान लड़की ट्रिलियम मॉल की पांचवीं मंजिल से चढ़ के जो उसका मिरर का जंगला लगा हुआ वा उस तो लटक रही है, जिस तो बाद साड़ी मरीठा रोड की पुलिस तुरंत एक्टिव हुई ते असी सारे मौके पर पहुँचे। जो असी मौके पर पहुँच के वार्तालाप करने की कोशिश की तो लड़की गल कर ली राजी नहीं सी। उस तो बाद असी उत्थे सारा ट्रिलियम मॉल के मैनेजमेंट की हेल्प के नाल उत्थे नीचे गद्दे वगैरह विछाए, नाल दी नाल असी कार्टनस वगैरह विछाए तो उसके उत्ते एक जाल भी विछा के रखिया कि इन केस अगर लड़की छलांग मारती भी है तो असी उन्हें किसी तरह ना रेस्क्यू कर सकिए। उस तो बाद असी नाल दी नाल कंट्रोल रूम तो इनफॉर्म किया, डीसी साहब की नॉलेज लिया, सीपी साहब की नॉलेज लिया, तो उन्होंने आर्मी की यूनिट्स के भी इनफॉर्म किया, तो आर्मी की एक स्पैशल यूनिट अंडर कमांड ऑफ मेजर साहब वो भी उत्थे पहुँच गई सी। उन्होंने अपना अलग तरह का स्पैशलाइज एक जाल विछाया तो एक तरह नाल एक लंबी लैडर वाली फायर ब्रिगेड का प्रबंध भी किया कि अगर लड़की रेस्क्यू करने वास्ते इसी की लोड़ पैंदी आ तो आप इन चीज़ों का ही प्रयोग कर सकते हैं। इस तो बाद असी मैं इनकलूडिंग एस एच ओ मरीठा रोड तो साड़ी पूरी टीम उत्ते असी लड़की नाल काउंसलिंग की, लड़की नूं असी करीब डेढ़ घंटा दो घंटे गल्लां दे विच उलझा के रखिया ताकि उन्होंने असी किसी तरह ना काम करने की कोशिश कर सकी, बट लड़की इस चीज़ को मनने लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं सी। वो सानू ना कोई इशू दस रही सी। इस तो बाद असी जो लड़की पूरी लास्ट के आके वो एक टाइम आ गया जो लड़की बिल्कुल आपका सब कुछ उम्मीदा छड़ के वो छलांग मारने की कोशिश कर रही थी, उन्हें सानू इतों तक कहता कि अपना जाल हटा लो नहीं तो मैं छलांग मार देनी हाँ। तो जदों मैं एक पास असी गल की, असी नीचे गल करते रहे जाले नाल, दूसरे पास मेरा गनमैन शमशेर ने बड़ी ही मुस्तैदी दे नाल उस लड़की की बांह फड़ी। जो उस लड़की की बांह फड़ी नाल दी नाल उसने लत्तां भी कढ़तियां अपने छलांग मारन वास्ते, पर उन्हें पूरी मजबूती नाल फड़िया होया सी ते उन्ने टाइम दे विच ही सारे ने असी उन्हूं फड़ के ते उपर नूं खिच लिया। असी लड़की का नाम असी रिवील नहीं करना चाहते तो इस करके उसकी आइडेंटिटी असी एनोनीमस रखना चाहते हैं। ये लड़की साढ़े को आई है, बट इसने दसिया कि इसका भी अपना फैमिली डिस्प्यूट ही सी, एक किसी लड़की ना अपना विआह करवाना चाहती है, बट इसकी फैमिली उस चीज़ वास्ते मान नहीं रही, जिस करके ये स्टैप चक रही सी। तो यह सानू करीब टोटल तीन तो लैके साढ़े तीन घंटे का सारा ऑपरेशन सीगा, जिस विच परमात्मा की कृपा दे नाल लड़की की जान बची। परिवार रहने वाला कित्थों दा कुड़ी कित्थों दी? ये पिछों जी डेरा बाबा नानक दे रहने वाले आ, तो ये लड़की ने जो अपना सारा बाकी एड्रैस दस्सिया। सर इत्थे किहदे किहदे कोल आई है, किहदे कोल आई है? ये इत्थे अपनी सिस्टर कोल आई हुई सीगी, तो बट हुण इहदे कहिण दे मुताबिक असी इसका हुणे असी मैडिकल करावांगे तो इसनों रात को नारी निकेतन के रखा जाऊगा, तो कल असी इन्हों इलाका मजिस्ट्रेट माननीय जज साहब के मूहरे पेश करांगे, इस दे खिचाउण ते बयान कराए जाएंगे। तो ये अपनी मर्जी नाल, क्योंकि 23 साल की लड़की है, अपनी मर्जी नाल जिहदे ने भी नाल भी जाना चाहूगी वो कोर्ट ही इस तो बाद हुण डिसाइड करूगा। वो असी कल का सारा पैरवाई है, जिसने नाल भी जाना चाहूगी उस पार्टी ही सद्या जाऊगा। तो बहुत वाडिया कि समय तो पुलिस ने बड़ी छेती अपना हासिल करता है। बिल्कुल जी, सारी टीम ने ही बहुत मुस्तैदी की, स्पैशली ये लड़के ने, तो क्योंकि एफर्ट्स नाल एक जान बची है, तो बहुत ही वधिया परमात्मा का भी शुक्र है कि जिन्होंने इस चीज़ पूरी टीम की मदद की। थैंक यू।